भोजपुरी स्टार पवन सिंह और कंट्रोवर्सी का काफी पुराना रिश्ता है। अपने काम से ज्यादा एक्टर विवादों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस यामिनी सिंह ने उन पर कई गंभीर इल्जाम लगाए। अब जब एक इंटरव्यू में पवन सिंह के सवालों का सिलसिला शुरू किया गया, तब वह काफी खुलकर सामने आए और हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। पवन सिंह ने 5 जनवरी को अपना 37वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया, लेकिन अपने बर्थडे के दिन ही एक्ट्रेस के शोषण की खबरों ने झकझोर कर रख दिया। एक मीडिया पोर्टल के दिए इंटरव्यू में पवन सिंह ने कहा, मेरे ऑडियंस मेरे भगवान हैं, उनका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहता है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि कम काम करो, लेकिन ऐसा करो कि जिसका जिक्र हो। पावर स्टार पवन सिंह से सवाल किया गया कि जब उनके गाने रिलीज होने के साथ ही सुपर हिट हो जाते हैं, तब भी उनका कंट्रोवर्सी में नाम क्यों जुड़ा रहता है। इस सवाल का जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा, यह सवाल तो मैं भी अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि भाई, काम करने के बाद मैं घर आ जाता हूँ, काम शुरू होने से पहले मैं जिम में रहता हूँ, जिम से सेट पर जाता हूँ, फिर पता नहीं कैसे मैं चाहता हूँ कि बदनामी थोड़ा दूर हटो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरा भाग्य है कि वो मेरे कंधे पर लदे रहता है।